आज हम इस पर बात करेंगे कि हकीकत में एक सांसद को कैसा होना चाहिए, जनता जिसे अपने वोट से चुनती है वो जनता से कितना जुड़ा रहता है। हाल ही में सांसद मेनका गांधी ने एक बयान दिया था कि अगर जनता उनके पास नहीं आ पा रही है तो वो जनता के पास जाएंगी। हालांकि देश में कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो जनता से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं। जनता को भी इन सांसदों से बड़ी शिकायत रहती है कि ये सांसद चुनाव जीतने के बाद वीवीआईपी हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो दावा करते हैं कि वो जनता की सभी शिकायतों का निवारण करते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ दावा बीजेपी की सांसद मेनका गांधी भी करती दिखाई दी हैं कि वो हमेशा जनता के बीच ही रहती हैं, उनके बीच में जाती रहती हैं, उनकी समस्याएं सुनती रहती हैं। आइए जानते हैं कि मेनका गांधी जनता के बीच कितना रहती हैं, क्या कहा था उन्होंने और बतौर सांसद उनका इतिहास कैसा रहा है। सांसदों को लेकर देश की जनता में ढेर सारे सवाल रहते हैं कि आखिर हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, आखिर सांसद चुनाव जीतकर वीवीआईपी हो जाते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, क्यों? चुनाव से पहले तो जनता से बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए जाते हैं, पर चुनाव जीतते ही सांसद जनता को भूल से ही जाते हैं, क्यों? देश की एक वरिष्ठ सांसद मेनका गांधी ऐसे ही भ्रम को तोड़ती दिखती हैं। मेनका गांधी दावा करती हैं कि वो जनता के बीच रहती हैं, क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं। मेनका गांधी जानवरों के लिए अपने लगाव के लिए खासी चर्चा में रहती हैं। मेनका गांधी को जानवरों से काफी लगाव है और वह उनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। मेनका गांधी को बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक माना जाता है। मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को नई दिल्ली में एक सिख परिवार में हुआ। उनके पिता सेना में अधिकारी थे। उनकी पढ़ाई सेंट लॉरेंस स्कूल और लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन से हुई। उन्होंने जेएनयू दिल्ली से जर्मन भाषा की भी पढ़ाई की। एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मेनका गांधी का एक बेटा है जिनका नाम वरुण गांधी है। वरुण गांधी भी सांसद हैं। अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मनमुटाव होने के कारण मेनका गांधी परिवार से अलग हो गई। मेनका ने संजय गांधी की मौत के बाद राष्ट्रीय संजय मंच बनाया और 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के सामने चुनाव में उतर गईं। 1984 के लोकसभा चुनाव में मेनका ने मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन राजीव गांधी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1988 में मेनका ने वीपी सिंह का जनता दल ज्वाइन किया और इसकी महासचिव बनी। 1989 में मेनका ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव जीता और पर्यावरण राज्य मंत्री बनी। 1996 में वह दोबारा पीलीभीत से सांसद चुनी गई। तब से लेकर अब तक वह कोई चुनाव नहीं हारी है। 1998-99 में वह राज्य मंत्री सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट स्वतंत्र प्रभार रही। 2001 में भी उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। 2001 से 2014 तक उन्होंने कई कमेटियों की जिम्मेदारियां संभाली। 2014 में उन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। मेनका जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता भी हैं। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई पुरस्कार मिले हैं। 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल नाम से एक संगठन भी शुरू किया जो भारत में जानवरों के हितों के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। सत्ता वो ये है कि जहाँ लोग मेरे पास नहीं आ पाते हैं मैं उनके पास चली जाऊँ। तो मैं हर महीने में मैंने फैसला किया है कि दिसंबर तक मैं हर 15 दिन कोई ना कोई ब्लॉक में जाऊंगी और वहाँ की दरख्वास्तें लूंगी। और अब मेरे साथ जो प्रशासन के लोग होंगे वहां भी बैठ जाए ताकि हम लोग निपटाते जाएं, समझते जाएं एक दूसरे को। लोगों को हम लोग आशा देना चाहते हैं। ये पिछले 6 महीने से बहुत निराश हुए हैं। अब अगर वो देखें कि हम सब लोग आए हैं और मदद कर रहे हैं तो शायद आशा जग जाए। फरियादियों की संख्या में कमी नहीं हो रही है क्या? वो फरियादों की संख्या में कभी कमी हो ही नहीं सकती। अमीर के फरियादों में कमी नहीं हो सकती तो गरीब का कैसे होगा? लेकिन हमारा काम है, जैसे मैं अभी एसडीएम साहब को बोल रही थी कि हर दफा नए तकलीफें हो, हम नए को सुने, नए को, लेकिन पुराने वापस नहीं आने चाहिए। उन सब का काम हो जाना चाहिए। ये जमीनों की लड़ाई है, पड़ोसियों की, जमीनों की। मैंने एक दफा, एक नहीं कम से कम 5 दफा मैं बोल चुकी हूँ डीएम को कि हर लेखपाल रोज के 12 घंटे बैठ जाए एक गांव में। आप देखेंगे महीने के अंत में ये आधे से भी कम हो जाएंगे। नहीं तो एसओ भी त्रस्त, एसटीएम भी त्रस्त, बीडीओ भी त्रस्त। केवल लेखपाल को बैठना है, लेखपाल कानून को बैठ जाए। अब कभी ना कभी तो ये होगा।